हमारा प्रदर्शन है कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के तहत, जो एक हमारा कार्यक्रम 8 अगस्त से चला आ रहा है, उसका 3 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा चरण जिसमें 25, 26, 27 अक्टूबर को 3 दिन की हड़ताल है और यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो 27 तारीख के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और ये हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है। आज जो बाइक रैली निकाली गई है, इस रैली का हमारा एकमात्र उद्देश्य चौथे चरण के लिए जो कल से हड़ताल होने जा रही है सारे कर्मचारी को जागरूक करना है। साथ ही हम जनपद की जनता को बता देना चाहते हैं कि पेंशन हमारा जो हक है, पेंशन हमारा अधिकार है, जिसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि पेंशन कर्मचारी का वो अवशेष वेतन है जो नियोक्ता द्वारा उसे सेवानिवृत्ति के उपरांत दिया जाता है। तो मित्रों, हमारी सब जनता से भी अपील है कि जो 3 दिन सारे समस्त कार्यालय या विद्यालय बंद रहेंगे उसमें जो जनता को दर्द होगा उसको हम भली भांति समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जनता से अनुरोध है कि हमारे इस कार्यक्रम में वो हमारा पूर्ण सहयोग प्रदान करें। पेंशन के रूप में कितने मानदेय का चाहेंगे आप? पेंशन तो जो पुरानी प्रथा है पूर्व पेंशन की, जब कर्मचारी या शिक्षक सेवानिवृत्त होता है तो उसको जो वेतन उस दिन मिलता है उसका आधा पेंशन के रूप में दिया जाता है।